हेलो गाइस, सो वेलकम टू द चैनल ओपन कैमरा बाय फौजिया। एक्चुअली आज मैं व्लॉगिंग करने को कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज फौजिया एज यू सीन इन द यस्टरडे ब्लॉग की कल के ब्लॉग में हमने देखा फौजिया के पैर में एक कट इंजरी हो गई ग्लास टूटने से, तो उसको सूचर्स लगे हैं एंड ऑल। तो मैंने सोचा यार मैं कोशिश करता हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा बीइंग अ डॉक्टर, मेरे से व्लॉगिंग होगी या नहीं। भाई लोग, हम लोग पिछले 10 मिनट से यहीं पे, ये जाम खत्म नहीं हो रहा। ये जाम क्या जाम है भैया, यू टर्निंग का जाम है एक, और ये राउंड जाम की वजह से इतनी भीड़ कि पिछले 15 मिनट हो गया है भैया, आगे गाड़ी नहीं बढ़ी। तमाशा है ये तो, ऐसे तो भैया पहुँचने में कल सुबह हो जाएगी फिर। चलो आगे का अपडेट करते हैं, देखते हैं यहाँ से कब से निकलते हैं। 15 मिनट तो हो गया, घर के बाहर निकल गए ही जाम है, हाईवे पे पता नहीं क्या होगा। संडे भी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, फैमिली को घुमा रहे हैं। सही है, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को गाड़ी देखिए यार, मेरी फेवरेट कार है, और क्या गाड़ी है ब्रो। निकालो आगे गाड़ी बहुत ज़्यादा, तो मिल रहा लेफ्ट से भी लूँगा ब्रो, मज़ा आ गया ब्रो। Awesome. So guys, हम लोग पहुंच गए हैं वर्ल्ड मार्क एरो सिटी, जहाँ पे मेरे फ्रेंड का आउटलेट है चाय गरम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्री में, गाड़ी पार्क करेंगे। So we are reaching here. यहाँ पे तो बुलेट भी चेक करते भाई, सही एरो सिटी है बाबा, एक्सपेंसिव है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। है ना बजा, ये ना बोनेट, मेरे को लगा इंजन खोल के तो नहीं चेक करेंगे कि इंजन के अंदर कुछ है कि नहीं। दे भैया कुछ नहीं है भैया, हम लोग सीधे साधे शरीफ लोग हैं, डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे लोग हैं हम लोग, बोनेट वोनेट में कुछ लेके नहीं घूमते। इसकी जो पार्किंग है ना, वो पार्किंग थोड़ी ट्रिपी सी है। आप देखोगे पार्किंग, मेरे को तो सही लग रही है यार, मेरे को सही लग रहा है फौजिया, ये जो है ना वर्ल्ड मार्क है ना, सही है नहीं? You can explore other cafes as well. हाँ, हम लोग कर सकते हैं ब्रो। Guys, इसकी जो पार्किंग है ना, ऐसा लग रहा है मेरे को खतरों के खिलाड़ी का है ना, कोई स्टंट कर रहे हैं हम लोग। यो फौजिया लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट, यस फौजिया स्ट्रेट यस फौजिया, यू कैन डू इट, यस लेफ्ट। एंड ब्रो ये जो कार्टन है ना, मेरे को लगा था असली में आदमी खड़ा हुआ, बट ये नहीं यार, ये कार्टन है। ये देखो सच में बोला यार, ये कैसे हिल नहीं रहा है ब्रो। ये सही में खतरों के खिलाड़ी वाला है। फौजिया देखो, तुमको ये मिशन पूरा करना है, दिस इज मिशन इम्पॉसिबल 0004, पॉइंट नहीं होता ना, 0004 होता ना फौजिया, जेम्स बॉन्ड वाला। या हां या 0007। शिट, मैं 4 पे आ गया यार ब्रो, ये कैसे भाई। सच में हम लोग एक गुफा में जा रहे हैं, हमको लगता है यहाँ भी कुछ मिलने वाला हम लोगों को। शिट यार शिट, ये कौन सी जगह है, क्या पार्किंग है ब्रो, एरो सिटी की पार्किंग। शिट मजा आ रहा है मेरे को पार्किंग देख के मजा आ रहा है ब्रो। अपने दोस्त के कैफे में कितना मजा आएगा, चाय गर्म। यहाँ देखो ये है थर्ड लेयर सिक्योरिटी, अब यहाँ पे वो बंदा गाड़ी को स्कैन कर रहा है कि आपकी गाड़ी में कुछ बॉम्ब है कि नहीं। ओहो कोई नहीं, चो हम लोग पहुंच गए हैं, ये पंजाबी ग्रिल सीधा है फौजिया। So guys, अभी है ना, this is Punjabi Grills और this is Kampai. Kampai is I think Japanese cruise and that is Chayos. हम लोग को जाना है चाय गरम में, राइट? तो हम लोग चाय गरम ढूंढते हैं कि मेरे फ्रेंड का आउटलेट चाय गरम किधर है। आई थिंक फॉर इधर तो डेड एंड लग रहा है, तो अपने को ना थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, राइट? और एक सेकेंड फॉर से पहले एक ये देखें, हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। सो दिस इज दरियागंज, दरियागंज इज अ ओल्ड दिल्ली, सो सी दरियागंज एंड वी हैव टू गो चाय गरम, सो वी हैव टू फाइंड दिस दैट क्रिस्पी हरम, राइट? एंड दैट्स के वेंटर, तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे आइसक्रीम यानी, एंड दैट इज
सही है, कितनी भीड़ है यार। That is crispy and we are searching for chai garam. Khan chacha and biryani blues and these are here, Sagarat. भैया चाय गरम कहाँ पे? Straight and left. Okay, thank you. So, बहुत यार लोग अपने बच्चे के साथ ही घूम रहे हैं, मेरे साथ ही मेरा बच्चा है। So, okay. So, है ना, बहुत मेहनत का फल है ना, बहुत मीठा होता है। तो अपने को है ना चाय गरम मिल गया है ना फौजिया, मिल गया चाय गरम। सो हाय, हाउ आर यू? चाय गरम को मेरे को देखने तो, बिकॉज मैंने बहुत नाम सुना है इसका। इसका चेन है ना गुड़गांव में काफ़ी जगह है, मेरे को देखना है कि इसका क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। फौजिया मेन्यू बताओ यार, डियर तुम आप बता दो भैया, आपका स्पेशलिटी क्या क्या है जो आपका सबसे ज़्यादा सेल है? तो टी है जो चाय बनाते हैं, चाय स्पेशलिटी है जिसके नाम से स्टोर भी ऑन है, चाय का। ओके, अगर आप फूड भी ट्राई कर सकते हैं हमारे, सैंडविच फ्राइज या सैंडविच फ्राइज। ओके, सैंडविच फ्राइज अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे समोसा, वेज पफ, पनीर पकौड़ा आप देख सकते हो, फ्राइज में भी क्लासिक सॉल्टेड फ्राइज, ठीक है। बर्गर सुखाने का मन नहीं, तुम्हारा खाने का मन नहीं है ना? मेरा भी नहीं, सैंडविचेस भी नहीं मेरा। तुम्हारा? चिकन नगेट्स है ना, नगेट्स खा सकते हैं, फ्राइज खा सकते हैं। रैप्स, रैप्स कैसे हैं? रैप्स भी अच्छे हैं एंड फ्राइज आर आल्सो वेरी रीजनेबल। बहुत मसाला फ्राइज ले सकते हैं, पैरी पैरी मसाला फ्राइज और नगेट्स ट्राई कर सकते हैं। ओके ओके, आपका सबसे ज़्यादा सेलिंग कौन सा है फ्राइज में? मसाला फ्राइज। मसाला फ्राइज है आपका, पेरी पेरी फ्राइज। तो फौजिया फ्राइज एक कर दीजिएगा, पेरी पेरी फ्राइज। और रैप खाओगे तो कोई एक चीज और कर दो, बिकॉज मैं शाम में खा रहा हूँ। चिकन टिक्का रैप कर दो, बस एक चाय कर दो, एक चिकन टिक्का रैप और एक चाय जो बेस्ट हो आपकी। और ठंड पीने के लिए कोल्ड में क्या आपके पास, कोल्ड ऑप्शन क्या लस्सी के अलावा? आज मैंने बहुत सारी लस्सी पी ली है। शेक नहीं भैया, लेमन सोडा टाइप कुछ है? आप मेरे को एक लेमन सोडा दे देना, मेरे को एक लेमन सोडा चाहिए। कितना प्राइस जेन्युइन है यार इनका? अगर आप कहीं और जाओगे तो ये सब चीज़ें है ना 400-500 क्लब्स में मिलती है, लेमन सोडा, वजन मोई मोई। तो आप यहाँ पे देख लो, ये जेन्युइन प्राइजेस इसके पास। तो ब्रो यहाँ पे एक बार ट्राई तो करना चाहिए जेन्युइन प्राइजेस के लिए। परफेक्ट। सो फौजिया एक बार इनका ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो वाइट टी, अर्ली ग्रे टी, जैम ऑनलाइन, जैस्माइन ग्रीन टी, ब्लैक डार्लिंग, इंस्टेंट ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, बहुत सारी चाय है ब्रोस। यहाँ अलग अलग तरह की चाय है और मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ आगे से, देखता हूँ कैसे। दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ अ चाय गरम। तो ये भी एक कॉर्नर है इसका जहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इस पर डिस्प्लेड है। आप डिस्प्ले देख सकते हैं, आपको मेन्यू कार्ड देखनी होती है यहाँ पे देख लो आप। डिजिटल भैया, सब कुछ चेंज हो गया, डिजिटल एवरीथिंग। यहाँ से भी ऑर्डर दे सकते हो। फौज यार हाय, फौजिया ऑर्डर कर रही है, फौजिया खाएगी, फिर देखते हैं कितना मज़ा आ रहा है। फौजिया कम की साइड में यहाँ बैठते हैं। तो गाइस मेरी हालत अभी भी थोड़ी सी ख़राब सी है, बिकॉज आईज एंड ऑल मेरी स्वेल्ड अप है, आई डोंट नो वो क्यों हो गया बट हो गया। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं, तारिक बैठा हुआ है। सो यहाँ से मैंने थोड़ा सा टेक ओवर किया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बना रहे हैं। तो ये हमारे फ्राइज प्रिपेयर हो रहे हैं, हमने फ्राइज ऑर्डर किया है। ये फ्राइज है ना, ये फ्राइज रेडी हो गया है और जल्दी बना दो। वहाँ पे हमारी चाय, मैंने चाय पी ली है, चाय रेडी हो रही है। तारिक ने अपना लेमोनेड ऑर्डर किया है। और पौधे यहाँ पे देख रहे हो तुम, कितना क्लीन है, हाइजीन मेंटेन है, सो लाइक एवरीथिंग इज लाइव। आप अपना प्रिपेयर होते हुए वॉच कर सकते हो कि हाउ इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। काफ़ी हाइजीनिक है और सब आपके सामने प्रिपेयर हो रहा है। म्यूजिक बज रहा है, अच्छा एरिया बैठने का है पूरा।
सो बस चिल करो, खाओ पियो, ऐश करो। तो फ्राइज तो रेडी हो गया जैसे फौजी ने बताया, और चाय वहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं आपको थोड़ा सा वो करता हूँ, ये चाय से धुआं निकल रहा है और ये चाय कुल्लड़ में मिलने वाली है, द बेस्ट पार्ट। आप देखो सारी चीज़ कितनी क्लीन है, आपको यहाँ पे ना कुछ गंदगी वगैरह नहीं दिखेगी, आप खुद देख सकते हो ना, आपको चाय में चीनी कम चाहिए नहीं चाहिए आप सब कुछ बता सकते हो, तो ये बेनिफिट है चाय गर्म का। चलो ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई है, आने दो, ऑलरेडी भूखी है लगता है। फौजा भूखे हो गया? हाँ yes. पक्का yes. फ्राइज हमारा, नगेट्स रेडी है एंड चाय भी, बस बहुत सारी चीज़ें हो गई है। तो फौजिया भैया ये कौन सा है? पेरी पेरी फ्राइज है, और ये कौन सा है भैया? ये चिकन नगेट्स, चिकन नगेट्स। ये चाय मसाला टी है नॉर्मल टी है? नॉर्मल। ओके और ये, ओहो ये मेरा सोडा भी आ गया, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। और जब पकड़ लो यार टिश्यू, ओहो यस थैंक यू, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो लग रहा है, मैंने सोचा था मैं खाऊंगा नहीं, बट ये देखो आप फ्राइज एंड ये जो पेरी पेरी फ्राइज बोलते हैं इसको, या फेरी फेरी फ्राइज बोलते हैं? पेरी पेरी, बट थोड़ा सा वो होगा ना, स्पाइसी होगा राइट? तो तारिक टेस्ट करके बताएगा कैसा है। अच्छा है, बहुत क्रिस्पी है और स्पाइसी है, अच्छा लग रहा है। हमें ये नगेट्स लग रहे हैं, दिस इज चिकन नगेट्स ना, बहुत प्यारे हैं भैया, चिकन नगेट्स बहुत अच्छा है गाइस, आप लोग आओ चिकन नगेट्स ज़रूर खाना, ये नॉर्मल चिकन नगेट्स जो बाहर खाते हैं वैसा नहीं है, ये डिफरेंट है। तो अभी हमारा रैप भी आ रहा है पता है। चलो गाइस अभी हम खाते हैं ये टेस्टी साथ खाना चाय गरम का। तो दिस इज आवर लेमोनेड, वाओ बॉटल हमारी बॉटल हमारी गाइस पता है ये नगेट्स बहुत अच्छा है, ये नगेट्स खा के मेरा दिन बन गया, और ये कसम से है ना, मैंने बहुत सारे क्लब में पिया है लेमोनेड, बट ये लेमोनेड बहुत अलग है, ये बहुत टेस्ट करके देखो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना रिफ्रेशिंग है ना, इसलिए मैंने ये लिया। और चाय कैसा है? चाय भी अच्छा है, बट मेरे को तो लेमोनेड पी के मज़ा आ गया, और ये मेरा फेवरेट हो गया यार, मैं जब आऊँगा ये नगेट्स जरूर खाऊँगा। वन मैन आर्मी राहुल फ्रॉम चाय गरम, देखो आप इनको, ही इज द मैन, इतना अब बट आपने जो बनाया ना बहुत टेस्टी लगा भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे को केचप दोगे भैया प्लीज? केचप केचप चाहिए। थैंक यू भैया, थैंक यू राहुल बॉस, यार ये लो केचप, ये रोल, अब इस दोनों को ख़त्म करेंगे, टेस्ट करके तुम बताओ कि कैसा है। नहीं तुम बताओ, मैं बताऊंगा टेस्ट के लिए, मतलब मैं हूँ। चलो ठीक है, और ये यहाँ पे कैफे है जहाँ पे लाइव सिंगर गा रहे हैं कुछ कुछ गाने,
मेरे को तो वो सिंगर का गाना पसंद नहीं आ रहा है। पता है जिस तरह जैसे शोरमा खाते हो ना, तो शोरमा का टेस्ट होता है ना शोरमा। हाँ भाई, जो मैं शोरमा ही बोलता हूँ भाई, मेरे को शोरमा बोलने नहीं आता है तो मैं शोरमा बोलता हूँ, बट उसका टेस्ट उसके तरह है। और ये ना उससे थोड़ा ज़्यादा यमी है, बिकॉज इसमें जो सॉसेज है ना, वो सॉसेज का एक अलग फ्लेवर आ रहा है, तो मेरे को तो बहुत सही लगा। मैं एक बार इसमें ना केचप का ट्राई करता हूँ, फादर राहुल ने बनाया है, अब ट्राई करूँ तो देखता हूँ। So, chicken nuggets, और इसमें किसको फर्स्ट रेटिंग दोगे? चिकन नगेट्स बेस्ट बेस्ट, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं था। जो मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट चिकन नगेट्स टाइगर में खाया, उसके बाद ऑफकोर्स रैप, ये बहुत अच्छा रैप है। ये जो प्राइस है वो स्पाइसी है, तो जो लोग स्पाइसी खाते हैं उसके लिए बेस्ट है। एंड द सोडा यार, एवर ग्रीन यार, मतलब मेरे को 10 दो, मैं 10 खत्म करके दिखाऊंगा, चैलेंज है मेरे को। वो यूट्यूब पे दिखाते हैं ना 10 खत्म करने वाले को 21,000 का इनाम, मेरे को दे दे ब्रो, मैं 50 भी खत्म कर लूँ इसका। चलो एंजॉय करो फिर अपना रैप, ये दोनों तुम ही खाने वाले हो। नहीं ब्रो, दो दो खाऊंगा मैं क्या, शिट। I'll just taste. ठीक है राहुल, थैंक यू यार, थैंक यू। एंड सुमित तो है नहीं, बिकॉज सुमित इज इन अदर आउटलेट, जो ओनर है चाय गरम का, तो हम लोग है ना सुमित से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको उसके नेक्स्ट आउटलेट पे। एंड राहुल, शो मी योर फोन, सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू कैन सी योर वीडियोज ऑल्सो एंड सी द कमेंट्स ऑफ द पीपल, लोगों को कैसा लगा। ओपन कैमरा बाई फौजिया। जस्ट सब्सक्राइब इट, I'll show you how to subscribe. ऊपर में आएगा ऑप्शन, राइट। अब यहाँ देखो कैमराज में देखा आपने सब्सक्राइब किया, सो राहुल ने ये ओपन कैमरा भाई फॉर से सब्सक्राइब कर दिया है, और आज की वीडियोज भी राहुल देखेंगे। थैंक यू राहुल, नाइस मीटिंग यू। ब्रो हम लोग पार्किंग से निकल रहे हैं, और अब सच में यार चाय गरम का जो हम लोग ने स्नैक्स खाया है ना, बहुत यमी था, इतना यमी था कि एकदम पेट फुल हो गया, बहुत अच्छा लगा। अब हम तंदूरी तो जाने लायक नहीं रहे। हाँ यार, आज तो हिम्मत नहीं पहुंचा, इतना खा लिए, इतना टेस्टी था ना रैप वगैरह सारा कुछ खा लिए चाय गरम का, जो हॉरिजन वन में है, तो एरो सिटी में। तो अभी ये फौजिया खतरों के खिलाड़ी आराम से आ, राइट मोड़ ना देखना, कहीं गाड़ी मत लगा दे कहीं भी, धीरे 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 कम स्पेस दिया हुआ। हाँ यार फौजिया, ये तुम्हारे साथ गलत किया है फौजिया इसने। तो गाइस थैंक्स टू चाय गरम, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, मजा, टेंशन नहीं। फास्ट टैग में अगर आपके पैसे हैं तो यहाँ बेसमेंट में फास्ट टैग से हॉरिजन वन वर्ल्ड मार्क वन में है ना फौजिया, मेरे को हॉरिजन वन की याद रहता है, वर्ल्ड मार्क वन जो एरो सिटी में है, वहाँ पे आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास फास्ट टैग है तो फास्ट टैग से ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाता है। तो हम लोग अभी वर्ल्ड मार्क वन एरो सिटी से निकले हैं, और गाइस हम लोग जा रहे हैं आई थिंक अपने घर, बिकॉज प्लान था इसके बाद जो सुमित है जो चाय गरम का ओनर है, उनका एक दूसरा आउटलेट है बैक स्ट्रीट तंदूर, राइट, तो वहाँ जाने का प्लान था। बट ब्रोज उसका स्नैक्स इतना टेस्टी यहाँ था ना, कि यहाँ खा के ही आदमी एकदम वो हो गया यार, मेरे को लगता है मेरा 2-3 किलो वजन बढ़ा, तो आपको महीपालपुर मिलेगा। अब महीपालपुर से फिर आप राइट जाओगे तो आप सीधा गुड़गांव जाओगे, और फिर गुड़गांव से आप अपने आगे जयपुर NH8 हाईवे। सो बेबी यार मेरा तितली भी बजा, क्या है बजा, सही है सही है,
मतलब आदमी को बदनाम कर दो कुछ भी करो राइट। हाँ हवा भी छोड़। सो गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं और घर पहुंचने के बाद अब नींद आ रही है बिकॉज बहुत खा लिए थे चाय गर्म में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सोएंगे। फौजिया गई है चेंज करने एंड नहाएगी एंड देन वी विल रेडी फॉर द स्लीप बिकॉज आई हैव टू गो टू द ऑफिस टुमारो एंड आई थिंक फौजिया विल गो फॉर सम मीटिंग इफ हेल्थ अलाउज बेसिकली। ओके सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज एंड आज ऑन द बिहाफ ऑफ फौजिया की तरफ से बिकॉज फौजिया इज नॉट वेल तो आज मैं बोलूंगा प्लीज सब्सक्राइब ओपन ओपन कैमरा बाय फौजिया एंड लाइक कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। बाय गाइज गुड नाइट।